हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस ओके। किसी का शॉप का मॉडल तैयार हुआ है, लेआउट? नो सर सर समझ में नहीं आ रहा था सर। अभी आपने इमेजेस सेंड किए तो सर क्या शिवानी, फिर से बोलिए। सर समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है सर। अभी आपने इमेजेस सेंड किए हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग सर हेल्प मिल गई थोड़ी। अच्छा, तो जब भी कुछ समझ ना आए शिवानी, आप मुझसे पूछ लिया करिए डायरेक्ट। क्लास हो चाहे ना हो, आप मुझे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए, तो आपका काम उससे टाइमली पूरा होता रहेगा, है ना? ये वेट ना किया करो कि दोबारा क्लास आएगी तो ही मैं पूछूंगी। यस सर ठीक है, तो अभी जो मैंने इमेजेस आपको लोगों को भेजे हैं ग्रुप पे, उससे कुछ आइडिया मिला होगा आपको? सबने देखी आकृति चारू? आप लोगों ने देखा वो? सर नो सर अभी अच्छा, नहीं देखे हैं। तो देख लीजिएगा आकृति उसको, और अपने हिसाब से जो भी आप प्रोडक्ट ले रही होगी डिस्प्ले डिज़ाइन के लिए, उसके यस हिसाब से सर आप डिस्प्ले डिज़ाइन कर लीजिए, ठीक है? उसी ओके वॉल की सर डायमेंशंस ले लीजिएगा जो आपको लास्ट असाइनमेंट में मिली थी, और उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग कर लीजिए डिस्प्ले का, ठीक है? तो ओके सर ओके उसका एक रफ लेआउट करके मुझे दिखाइए, फिर उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और जल्दी से जल्दी दिखाओ सो दैट इसी क्लास में उसको फ्रीज कर ले जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके सर क्या सर वॉल का साइज सही रहेगा जो आपने दिया था आकृति? सर। जो वॉल का साइज जो आपने मुझे दिया हम लोग को दिया था वही साइज रहेगा वॉल का भी। हाँ जी, वही ले लीजिए आप। ओके सर तो और जैसे हम लोग ने डिस्प्ले डिजाइन कर दिए हैं तो उसमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स भी रखने होंगे ना उसी के सेम बिल्कुल अकॉर्डिंग। रखने होंगे, बिल्कुल रखने होंगे। आप ओके सर डिस्प्ले डिज़ाइन अपने प्रोडक्ट्स के लिए ही करते हो, विदाउट द प्रोडक्ट्स डिस्प्ले इज यूजलेस। ओके सर ओके चारू, शिवानी, एनी प्रॉब्लम? सर मेरा भी पेज मतलब जो आपने पहले दिया था सर वो मेरा भी इनकम्प्लीट है तो क्या मैं उसको बाद में करके जो अभी आपने नया दिया है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। जो नया दिया है उसके लेआउट्स, रफ लेआउट्स आप दिखाइए, चलो ओके और सर जो पेंडिंग है उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। बट दिस क्लास में आप नए वाले का लेआउट फ्रीज करने की कोशिश करिए, कि इसी में वो डिस्कशन करके उसके लेआउट जो है रफ लेआउट फ्रीज कर दें, फिर आप उसको फिर आउट करके रेंडर कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपका जो पेंडिंग रह गया आप उसको भी रेंडरिंग कर सकते हैं। ओके सर शिवानी, आप क्या बोल रहे थे?